दूसरी वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। लक्ष्मीकांत सिक्स एडिशन की किताब हम लोग कवर कर रहे हैं। पहला जो वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने आपको कंपनी रूल के बारे में बताया था, जिसमें पीरियड हुआ कवर हुआ था 1773 से 1858 तक का। ये जो दूसरी वीडियो है ये क्राउन रूल के बारे में है, जो 1858 से 1947 के टाइम पीरियड में एक्टिव था। अगर आप लक्ष्मीकांत के इन चैप्टर्स के इंडेक्सेस को देखेंगे तो आपको ये जो क्रोनोलॉजी है, जो हायरार्की है, वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्राउन रूल को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो ये सेकंड वीडियो है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। एक एक लाइन मैंने समझाई है। जरूरी यह है कि एक किताब आप लेके पास बैठे, अपने पास लक्ष्मीकांत की। अगर छठे एडिशन की किताब हो तो बहुत अच्छा होगा, अगर पांचवा एडिशन भी है आपके पास लक्ष्मीकांत का तो भी चीजें आपको समझ में आएंगी। बस आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम अटेंटिव होकर हर एक एक लाइन को सुनना है, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे मिलेगा नहीं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे लिए इतना ही कर दीजिए, अब एक घंटे चिल्लाने वाला हूं तो इतना तो आप कर ही सकते हो। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी, जब 1858 से 1947 की बात आ रही है तो सबसे पहले आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाने की जरूरत क्या पड़ी, आपको पता है फ्रेंड्स, सपॉय म्यूटनी हो गई थी, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। उस चक्कर में पूरे देश में तरखाट, पूरे देश में तो नहीं कहना चाहिए, खासकर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां पे काफी तरखाट मचा था, साउथ इंडिया उतना इफेक्ट नहीं हुआ था। ओके, तो ये जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 को दबा दिया गया, जब इसको दबा दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि इतना बड़ा बवाल मच गया, इतने दिन से तो हम लोग कर रहे हैं राज, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब उन्होंने गलतियों को खंगालना शुरू किया तो बहुत सारी गलतियां समझ में आई। यहां पे वो टॉपिक तो नहीं, बट हल्का फुल्का आपको बता दे रहा हूं। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बेहिसाब, कहते हैं ना कि राजे रजवाड़ों का जो आप कह सकते हो कि एक विक्यूत करने का जो सीक्वेंस था, जैसे फॉर एग्जाम्पल रानी ऑफ झांसी, तो रानी ऑफ झांसी को उनके एम्पायर पे, उनके बेटे को उनके एम्पायर की गद्दी पे नहीं बैठने दिया गया, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरी में मिला दिया, ब्रिटिश की प्रोविंस बना दिया। तो जब इस तरीके की बहुत सारी हरकतें होने लगी तो अलग अलग राज्यों में बवाल मच गया, वो लोगों ने आर्म्स उठा लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में। फिर सपॉय मिटनी हो गई, तो वो जो असॉल्ट, जो राइफल्स होती थी इनकी, जो गन्स होती थी, उसमें पता चलना है कि भैया गाय की चर्बी है, सुअर की पिक की चर्बी है। तो इस चक्कर में जितने भी हिंदू और मुस्लिम जो सपॉयस थे वो नाराज हो गए, तो उस चक्कर में भी काफी सारा बवाल हो गया। तो और भी बहुत से रीजंस थे, एक आप कह सकते हो कि जमींदारों के अगेंस्ट, लैंड ओनर्स के अगेंस्ट में गुस्सा था। तो जब ये रिवॉल्ट भड़का तो सब लोगों ने दौड़ के जो लैंड ओवर्स की बही खाते की किताबें थी उनको जला डाला, क्यों, क्योंकि वहां पे उनकी जमीनें गिरवी पड़ी हुई थी। तो इससे भी इस रिवॉल्ट को एक जोर मिला, लेकिन फाइनली इस रिवॉल्ट को दबा दिया गया। जब इस रिवॉल्ट को दबा दिया गया और ऐसा रिवॉल्ट दोबारा ना आए, तो उसके लिए एक एक्ट लेके आया गया जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसको कहा जाता है एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप आप किताब लेके बैठे हैं दोस्तों, लक्ष्मीकांत किताब लेके जरूर अपने साथ बैठिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब जब ये बवाल हो गया था 1857 वाला रिवॉल्ट वाला, जब 1857 का रिवॉल्ट जब दबा दिया गया, उसके बाद किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना था, और रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराएगा, जो भाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर से पूरी तरीके से शेयर मिली है ब्रिटिश क्राउन को, पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी पे उन्होंने बिल फाड़ दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि भैया आप अपना, तुम लोग ये कागज पत्तल समेटो, अपना कपड़ा समेटो, वापस निकलो। ये हुआ, तो हुआ ये कि पहली बात तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया गया खत्म, ठीक है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था इंडिया में उसको किया गया खत्म, और जितनी भी पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी वो सारी की सारी पावर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी टेरिटरीज, सारा रेवेन्यू, सब कुछ ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। पहले भी ये ब्रिटिश क्राउन के पास ही जा रहा था, जो कि हमने पहले के वीडियो में देखा है कि पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल कंपनी भी थी और पॉलिटिकल कंपनी भी थी, फिर उसके कॉमर्शियल और पॉलिटिकल एलिमेंट्स को खत्म किया गया, तो पॉलिटिकल कंपोनेंट हट गया, कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बचा। फिर धीरे धीरे कॉमर्शियल को हटा दिया गया 1833 में, तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बचा। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म, अब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, तो अब एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से होगा। पहले भी डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से ही हो रहा था, बट बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी, तब उसको बिल्कुल हटा दिया गया। कुछ दूसरे मैकेनिज्म लेके आएंगे, क्या मैकेनिज्म लेके आएंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहली बात है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट चलेगी वो चलेगी इन द नेम ऑफ हर मैजिस्ट्री, यानी कि जो ब्रिटेन की क्वीन है उनके नाम पे इंडिया की गवर्नमेंट चलेगी। और
एक और चीज करी गई कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनकी इस उपाधि को बदल के कर दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था अब उसे कहा जाएगा वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया होगा ही विल बी द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन को सीधे सीधे रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन होगा ये वाइस रॉय। और पहले वाइस रॉय कौन बने इंडिया के, तो वो बने आपके लॉर्ड कैनिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, पहले वाइस रॉय कौन बने, समझ गए, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने। आप देखिए पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर उसको गवर्नर जनरल बनाया गया और उस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर, वो मैंने पहले बताया था। तो ये सब पहले पहले कौन बने हैं आपको पता होना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको पहले बता रखा है। फिर ये जो डबल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था ना कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, पहले मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी भैया आपकी रूलिंग बॉडी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। कहते कोई बवाल नहीं, हटाओ इनको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हटाओ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटाओ, बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग आपस में। तो डबल गवर्नमेंट का सिस्टम को ही हटा दिया गया यहाँ पे, जो दोनों खिचड़ी पकाते थे ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलता था थोड़ा मेरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे थोड़ा मेरा, सब खत्म। फिर अब किसी ना किसी को तो रखना है, यानी कि लॉर्ड कैनिंग आपके इंडिया में रह के राज कर रहे हैं, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे सरकार चला रहे हैं, तो ये लॉर्ड कैनिंग अब डायरेक्ट हर चीज तो भाई रानी को नहीं बताई जाएगी ना, तो ऑब्वियसली बात है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई ना कोई रिपोर्ट करेगा, वो रिपोर्ट करने के लिए एक आदमी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा। तो लॉर्ड कैनिंग तो इंडिया में है, तो लॉर्ड कैनिंग सीधे जाकर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट कर नहीं सकते, तो लॉर्ड कैनिंग एक पर्सन को रिप्रेजेंट रिपोर्ट करेंगे इंग्लैंड में, और वो पर्सन ऑन बिहाफ जाके रिपोर्ट करेगा किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ऑफिस बनाया गया किसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बैठता था लंदन में, और ये किसका मेंबर था, बेसिकली ही वॉज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। ब्रिटिश कैबिनेट में भाई अलग अलग, कहते ना कि पोर्टफोलियो सिस्टम वहां पर चल रहा था कि भाई आप हेल्थ का एक अलग मिनिस्टर है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का अलग मिनिस्टर है, जैसा आज की डेट में होता है। तो उसी तरीके से ब्रिटिश कैबिनेट में इंडियन अफेयर्स को देखने के लिए ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो होगा वहां के ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को डेली बेसिस पे या जब भी उसे बोला जाएगा रिपोर्ट पेश करेगा। और ऑब्वियसली बात है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिपोर्ट कहां से लेगा, ये रिपोर्ट लेगा आपका लॉर्ड कैनिंग से। तो लॉर्ड कैनिंग इंडिया में काम कर रहे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब वहां बैठा था, कभी कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक चक्कर मारने आते थे इंडिया में। ओके, इस सेक्रेटरी स्टेट के पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी, कंप्लीट कंट्रोल होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि जो वाइसराय की रिपोर्टिंग होगी, वाइसराय रिपोर्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओहदे में वाइसराय से बड़ा है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। अब जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो एक आदमी है भाई, उसका काम बहुत बड़ा है, पूरी की पूरी जो ब्रिटिश सरकार है उसके काम को वो देख रहा है लंदन में बैठ के, तो भाई कोई ना कोई तो चाहिए उसकी मदद करने के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे पहले थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पैसे पहले था, कुछ उस तरीके का अरेंजमेंट बनाना चाहिए। तो उस तरीके का अरेंजमेंट बनाने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये जो 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनी, इसका काम था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की मदद करेगा इंडियन अफेयर्स में। ओके, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस उसकी 15 मेंबर की काउंसिल, ये मिलके बनाएंगे एक बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को आप कह सकते हो एक लीगल बॉडी। लीगल बॉडी मतलब कि देखिए किसी भी लीगल बॉडी के अगेंस्ट वो जो डिसीजन लेता है उसके बेसिस पे मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल थे, मतलब ये 15 लोग और उसके ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे थे, ये एक्चुअली इनको आप एक ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हो, इनको एक बॉडी मान सकते हो, और इस बॉडी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। इस बॉडी के इसको सू किया जा सकता है कोर्ट में, कहते हैं ना कि सुइंग कोर्ट, तो सू किया जा सकता है कोर्ट में, इसको इंडिया में सू किया जा सकता है, इसको इंग्लैंड में सू किया जा सकता है। यानी ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर की काउंसिल जो कुछ भी कहेगी वो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। आज की डेट में क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान दो, हमारे जो प्रेसिडेंट है, हालांकि यहां पे मैं प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, पर फिर भी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो भी डिसीजंस लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं, कि भाई उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस करेंगे वही बोलेंगे। ओके, अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करते हैं तो उसके लिए वो लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ये नियम है, समझ गए। तो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ काम हो रहे हैं तो उन पे लीगली कोई केस नहीं चलाया जा सकता। उसी तरीके से यहां पे
ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में और उसके साथ जो इनकी 15 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ इंडिया थी, अगर वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम करती है वो गलत पड़ जाता है तो इनके ऊपर लीगली केस चलाया जा सकता था। और ऐसे केस बहुत चले हैं इंग्लैंड में। आप लॉर्ड क्लाइव की बात कर लीजिए, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात कर लीजिए। लॉर्ड क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स अब यहां पे राज करके वापस इंग्लैंड में गए, इनके ऊपर केस चला, बहुत बहुत दिन तक केस चला। वॉरेन हेस्टिंग्स को एंड में छोड़ तो दिया गया लेकिन उनकी सारी सेविंग्स जा चुकी थी। कुछ हद तक क्लाइव भी बहुत परेशान हुए थे इंग्लैंड वापस जाने के बाद। तो ये लॉर्ड क्लाइव और ये वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में तो हीरो थे, बट जब वे वापस इंग्लैंड गए ना, इनको वहां बहुत परेशान किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे उस ड्यूरेशन में। और इंडिया में हीरो थे, इंग्लैंड में तो इंग्लैंड के ही थे ना, तो वहां पे और भी इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस थे जिन्होंने इनको काफी परेशान किया वापस जाने के बाद। इनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे, वो एक अलग टॉपिक है तो उसको नहीं करते। तो कुल मिला के 1858 के एक्ट ने किया क्या, 1858 के एक्ट ने ये किया कि भैया इंग्लैंड लंदन में बैठे बैठे इंग्लैंड की पार्लियामेंट को या इंग्लैंड के रूलिंग कह सकते हैं मेंबर्स को इंडिया के अफेयर्स को चलाना है, तो उस इंडिया के अफेयर्स को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के थ्रू बनाई गई। लेकिन जिस तरीके से इंडिया में गवर्नमेंट चलती थी उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आए। इंडिया में जैसे गवर्नमेंट पहले चल रही थी वैसे ही गवर्नमेंट बाद में चलेगी। ओके, मतलब इंडिया के लोगों पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, उनको कोई फायदे नहीं मिले। तो ये था भैया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858। अब 1861 की बात कर लेते हैं। ओके, जब रिवॉल्ट हुआ 1857 का, ब्रिटिश सरकार को और ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव को यह समझ में आ चुका था कि भैया हम एक लिमिट से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को और इंडियंस को नाराज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रिंसली स्टेट्स को जब नाराज किया तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स ने हथियार उठा लिए। तो अवध ने हथियार उठा लिए जो प्रेजेंट डे आपका लखनऊ के आसपास का इलाका है, तो भैया झांसी ने हथियार उठा लिए क्योंकि रानी ऑफ झांसी को उनका हक नहीं दिया गया, तो इन सब ने हथियार उठा लिए। ऑब्वियसली बात, अगर लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इतनी क्रूअल तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करता तो शायद ये लोग हथियार नहीं उठाते। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि भैया इंडियंस की मदद की हमको जरूरत है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि इन इंडियंस को भी मौका देते हैं कि भाई ये रूलिंग प्रोसेस में भाग ले सके। तो इंडियंस को मौका देने के लिए कुछ काउंसिल एक्ट निकाले गए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 आया, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आएगा, उसके बाद और भी एक्ट आएंगे उनको हम देखेंगे। यहां पे बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब देखिए यहां होगा क्या दोस्तों, वाइसरॉय जो कि हमारे देश के अंदर सर्वे सर्वा था, ध्यान दीजिएगा इसकी दो काउंसिल्स थी, एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज बता रहा हूं जो कि किताब में नहीं लिखी है, ध्यान से देखिए। वाइसरॉय की दो काउंसिल्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इन दोनों में रिप्रेजेंटेशन इंडियंस को अलग अलग समय में मिलेगा। तो 1861 में जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया, इसने जो इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव दिया, रिप्रेजेंटेशन दिया, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया। तो बोला गया कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करो। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करोगे तो क्या किया जाएगा, तो यह कहा जाएगा कि भाई जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को थोड़ा बड़ा करिए और उसमें कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स लेके आइए। अब सवाल उठता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है, तो देखिए जिन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई ब्रिटेन से तो वो गोरे हैं भाई, इंग्लैंड से आएंगे यहां पे आके चार्ज संभालेंगे, वो होंगे ऑफिशियल मेंबर्स क्योंकि उनकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट हुई है। और जिन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट इस वाइसराय ने इंडिया में बैठ के की, और ऑब्वियसली बात है ये अपॉइंटमेंट करने से पहले उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात की होगी, या हो सकता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसको आइडिया दिया हो, उस समय क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो वाइसराय ने इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि कुछ इंडियन मेंबर्स, कुछ इंडियन सोसाइटी के लोगों को आप इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठाओ ताकि उनको भी लगे कि भाई उनको उन्हीं की देश के गवर्नेंस में एक मौका मिल रहा है। हालांकि जिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को शुरू शुरू में वाइसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठाया गया ना, वो उनके चमचे ही थे, तो राजा महाराजाओं के बेटे, उनके पहचान के लोग, इस तरीके के लोगों को बैठा दिया गया, वो किसी भी तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, इंडिया के गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जिन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इन वाइसराय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठाया गया वो उनके चमचे ही थे, आप समझ गए दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखा जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में तीन इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया। ये थे आपके राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद
अब मैंने आपको पहले इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात की थी द कंपनी रूल की, उसमें मैंने बताया था कि देखिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स थी उनको सेंट्रलाइज्ड किया जाने लगा, और मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर थे आपके मद्रास के और बॉम्बे के उनको अधीन बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ओके और हद से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जाके देखिए क्या हुआ। अब यहां पे क्या बोला गया कि भैया अगर हमको अच्छे से राज करना है तो अच्छे से राज करने के लिए जो भाई लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको थोड़ी ताकत दी जानी चाहिए, तो भाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दी गई। तो ये रही आपकी बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी, इनको कई सारी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस दी गई। अच्छा याद रखिएगा इन प्रेसिडेंसीज की, ये जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी इनके यहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और इनके यहां पे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। अब ओके तो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपके सेंटर में भी थी, ठीक है, जो कि वाइसराय की थी, और इन प्रोविंसेस में भी यानी मद्रास और बॉम्बे में भी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो ये बोला गया कि भाई अब पहले तो शुरू में कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई इन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को, धीरे धीरे करके जैसे आप आगे जाओगे तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आएगा, 1909 1919, इन सब के बाद जब आप 1935 में पहुंचोगे ना तो 1935 में जो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था ये कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देगा प्रोविंसेस को, वो हम अभी थोड़ी देर में ही आगे देखेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू किया गया और जो लेजिस्लेटिव पावर्स पहले 1833 के चार्टर एक्ट से वापस ले ली गई थी इन प्रेसिडेंसीज को, उसमें से कई सारी लेजिस्लेटिव पावर्स इन बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज को वापस दी गई, तो अब इनके गवर्नर के पास भी थोड़ी बहुत ताकत पहुंची। ओके फिर क्या कहा गया कि भैया नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाओ, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाओ, तो कई कहां कहां बनाई गई है नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, तो बंगाल में बनाई गई, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में बनाई गई, पंजाब में बनाई गई। तो भाई बंगाल की लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 1862 में इस्टेब्लिश हो गई, आप नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल आपकी इस्टेब्लिश होगी 1886 में, और पंजाब की कब होगी 1897 में। तो जब ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनेंगी तो जहां जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेंगी भाई वहां वहां पे लोगों को और रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, क्योंकि सबसे पहला ही पॉइंट है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो जब वाइसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो वहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया, तो वैसे ही जब बंगाल में मद्रास में बॉम्बे में यहां पे जब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी तो वहां पे भी बहुत सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी बहुत सारे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की थी, यानी कि जो गोरे अपॉइंट होते थे जो फॉरेन से आके यहां पे जिनकी अपॉइंटमेंट होती थी मेजॉरिटी उनकी थी, क्योंकि अभी भी इंडिया की पोस्टिंग इनके लिए बहुत प्राइस थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से हमने देखा कि पोस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू थी, इंडिया में सब पोस्टिंग चाहते थे और अभी भी इंडिया में सब लोग पोस्टिंग चाहते थे, तो ये जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये वही लोग हैं जो बाहर से पोस्टिंग लेके इंडिया में आके काम करते थे। समझ गए दोस्तों, अब हम एक बात करते हैं यहां पे वाइसराय से रिलेटेड एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये जो मैंने बोल्ड में लिख रखा है इसको पढ़िए, द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। आपके लिए एक असाइनमेंट है, बताइए ये लाइन कौन से आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है ये बताइए। उसके बाद आप इस लाइन से अगर आपने किताब सामने खोल रखी तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है, इट इंपावर्ड द वॉइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, वहां पर रूल्स एंड ऑर्डर्स है या रूल्स है, तो मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द काउंसिल था, और यहां प्रेसिडेंट के केस में क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। एक्चुअली इस लाइन को एमसीक्यू के एक स्टेटमेंट में रख के कुछ दिन पहले यूपीएससी के कुछ साल पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मैं बस आपको ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस समय से जिस तरीके की ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती थी वैसी ऑफिशियल लैंग्वेज आज के डेट में भी हमारे भारतीय संविधान में आपको मिलेगी, बस ये समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसी 1861 के थ्रू आप कह सकते हो कि पोर्टफोलियो का सिस्टम भी आया। अब जो पोर्टफोलियो का सिस्टम आया इसमें क्या था, तो देखिए दोस्तों लॉर्ड कैनिंग की मैंने शुरू में आपको बताया कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक थी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो लोग बैठते थे वहां पे डायरेक्टली कह लीजिए इनडायरेक्टली कह लीजिए पोर्टफोलियो सिस्टम चलता था। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब कि किसी एक मेंबर को
किसी एक डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया जाएगा और वो मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेगा। जैसे कि आज की डेट में अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, तो होम मिनिस्टर से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस वो ले सकते हैं। जो बहुत ज्यादा बड़े डिसीजंस होंगे उसके लिए फिर काउंसिल मीटिंग बुलाई जाएगी और नरेंद्र मोदी से भी वो डिस्कशन करेंगे। समझ गए आप दोस्तों? तो ये चीज होती है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम आपका 1859 में आप कह सकते हैं कि इस लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था और इस 1861 काउंसिल एक्ट के थ्रू इस पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन मिल गई। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था इसको लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में ही लागू कर दिया था। इसको रिकॉग्निशन कब मिली? 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से। समझ गए इसका क्या मतलब है? और फाइनली 1861 काउंसिल एक्ट से एक और पावर मिली वाइसराय को। वाइसराय को यह पावर मिली कि वाइसराय ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है और वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल से डिस्कस किए एक इमरजेंसी के दौरान। वो इमरजेंसी क्या थी? तो वो इमरजेंसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय आपस में बात करके जो चीज कंडीशन देख लेंगे कि ये इमरजेंसी, तो वही इमरजेंसी बन जाएगी। वो तो भाई उनका राज था, उनके नियम कानून चलते थे। तो वाइसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंकरेंस को, उनकी परमिशन को, उनसे डिस्कशन किए बिना किसी एक नियम को लागू कर सकता है ऑर्डिनेंस के थ्रू इमरजेंसी के दौरान। और इस ऑर्डिनेंस का जो टाइम पीरियड होता था वो होता था 6 महीने का। गॉट इट दोस्तों? बहुत डिटेल में चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं फ्रेंड्स, कहीं आपको शायद इतनी डिटेल में नहीं मिलेंगी। आई होप मैं जस्टिस कर पा रहा हूं। आगे देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था 1861 में ही नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होने लगी, 1892 में भैया और बढ़ा दिया गया। कहा जाए कि भैया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को और बढ़ाओ, तो भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हुई है 1861 में, ये ध्यान दीजिएगा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं हुई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी अपॉइंटमेंट होगी बाद में, लेकिन वो कब होगी? वो तब होगी जब आएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उस पर अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। अभी तक जो भी आपके मेंबर्स अपॉइंट हो रहे हैं नॉन ऑफिशियल, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो रहे हैं। तो भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, लेकिन ऑफिशियल मेजोरिटी रखी गई। यानी कि अभी भी भले तादाद बढ़ा दी गई हो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, इंडियंस के नंबर्स को बढ़ा दिया गया हो, लेकिन अभी भी व्हाइट मेंबर आपके मेजोरिटी में है। यानी वो मेंबर, व्हाइट मेंबर तो खैर नहीं कहना चाहिए, वो मेंबर्स जिनको ब्रिटिश सरकार ने सीधे नॉमिनेट किया। ओके दूसरा, अब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल में तादाद बढ़ाई गई है तो उनको थोड़ा बहुत आप ताकत भी दो, तो थोड़ी बहुत ताकत भी दी गई, तो थोड़े बहुत लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस को बढ़ाया गया। बजट को डिस्कस करने की ताकत दी गई, बजट को डिस्कस करने की ताकत दी गई। और ध्यान रखिए दोस्तों, अभी बजट केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को अभी भी बजट इंट्रोड्यूस करने की ताकत नहीं मिली। अब सवाल आपसे मैं यहां पे पूछूं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बजट डिस्कस करने की या बजट इंट्रोड्यूस करने की ताकत, सॉरी डिस्कस नहीं, डिस्कस तो तब होगा जब वो इंट्रोड्यूस होगा, अपना खुद का बजट बनाने की ताकत इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कब मिली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कब मिली? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बजट इनैक्ट करने की ताकत मिलेगी। फिलहाल के लिए जो बजट था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस होता था, वहां पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद को बढ़ाया गया और उन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से बोला गया कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो और बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप एग्जीक्यूटिव से पूछ सकते हो। अच्छा देखिए, ब्रिटिश इंडिया में इस बजट के सिस्टम को 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एक बात और ध्यान दीजिए, तो 1860 में बजट आया था। ओके ठीक है, तो 1860 से हर साल बजट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑब्वियसली बात है डिस्कस किया जाता होगा, इंट्रोड्यूस किया जाता होगा। हालांकि डिस्कस करने की ताकत नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, ऑफिशियल मेंबर्स तो पहले करते ही होंगे डिस्कस, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यानी कि जो इंडियन मेंबर्स हैं उनको इस बजट को डिस्कस करने की ताकत मिली। कब उनको ये ताकत मिली? 1892 में। और वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव से, बट उस बजट पे वोट नहीं कर सकते थे, उस बजट के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते थे, उसके अगेंस्ट वोट करने की, उसको वीटो करने की, उसको रोकने की ताकत अभी इनको नहीं मिली थी, बट हाँ उस पर डिस्कशन कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, फिर तो फंक्शंस आपने देखे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट देखी, आगे देखिए यहां पे देखिए इस सीए वाला जो एक्ट आएगा दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें भाई इनडायरेक्ट प्रोविजन आएगा इलेक्शन का। अब तक इलेक्शन का प्रोविजन इंडिया में नहीं है, अभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं देखेंगे, बट इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन आएगा। कैसे?
तो ये कहा जाएगा कि भाई सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की कुछ नॉन ऑफिशियल सीटों को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, पर वो इलेक्शन नहीं होगा, वो एक तरीके का नॉमिनेशन होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे थे दोस्तों, देखिए, अब देखिए 1861 से ये पूरा मामला चल रहा है, वाकया चल रहा है, ठीक है। 1861 से लेके 1890 उस समय तक, लगभग 1890s तक, जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट किए जाते होंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा? तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ पे, जो आपके वाइसरॉय थे, उनका जो फेवरेट आदमी होगा या भी वो इंसान, वो राजा महाराजा जिनके जिनके साथ अच्छे रिलेशंस होंगे, उन्हीं को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो जब इस तरीके से अपॉइंटमेंट होने लगी तो इंडिया की बहुत सारी बॉडीज को प्रॉब्लम होने लगी। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सामने आ गए, देखिए बहुत सारी म्यूनिसपैलिटीज सामने आ गई, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार चैम्बर, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये सब आवाज उठाने लगे कि भैया आप नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपने हिसाब से अपॉइंट कर रहे हो, हमें भी कुछ रिप्रेजेंटेशन दो। तो फिर एक दिमाग लगाया गया 1892 के काउंसिल एक्ट में कि भाई कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ नॉमिनेशंस के बेसिस पर अपॉइंट किया जाएगा, और उन नॉमिनेशन को यहां पे एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इलेक्शन आप बोल सकते हो। तो कहा जाएगा, कहा गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाएगा वाइसराय के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स। यानी बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुछ लोगों का नाम नॉमिनेट करेंगे वाइसराय को, और वाइसराय उन्हीं लोगों को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करेगा। उसी तरीके से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पे? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रिकमेंडेशन पे, म्यूनिसपैलिटी के रिकमेंडेशन पे, यूनिवर्सिटीज के रिकमेंडेशन पे, ट्रेड एसोसिएशन के रिकमेंडेशन पे, जमींदार के रिकमेंडेशन पे, चैंबर्स के रिकमेंडेशन पे। तो यहां पे ये एक्ट लाके ब्रिटिशर्स ने बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैंबर्स, इन सब के डिमांड को पूरा किया। ये सब राइट्स मांग रहे थे कि भैया नॉन ऑफिशियल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आना चाहिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में, तो उनकी इस डिमांड को यहां पे माना गया। अब इन लोगों ने क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वालों ने आपस में कुछ इलेक्शन वोट वगैरह करके डिसाइड किया होगा, और जिन लोगों को इन्होंने डिसाइड किया उनको अपॉइंट किया गया। तो देखिए डायरेक्ट तो इलेक्शन नहीं हुआ यहां पे जिन लोगों को इनके नॉमिनेशन पर अपॉइंट किया गया, बट इस नॉमिनेशन को आप एक तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन कह सकते हैं। तो कह सकते हैं ना कि फॉर द फर्स्ट टाइम एन एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन वॉज मेड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 से हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे आ जाते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को भाई मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड मॉर्लो और वॉइसराय थे लॉर्ड मिंटो। इससे तरखाट मचना शुरू होगा क्योंकि यहां पे बहुत बड़ी चीज आएगी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। भैया यहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साइज को तगड़ा बढ़ाया गया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को भी बढ़ाया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी साइज को बढ़ाया गया। तो पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते थे आपके 16 लोग, अब बढ़ा के कर दिए गए 60 लोग। तो 16 से 60 ऑलमोस्ट 4 गुने हो गए आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी लोग बढ़ाए गए, पर हर जगह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग अलग स्ट्रेंथ थी, तो अलग अलग लोग बढ़े, तो उतना हमको फिगर में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, लेकिन जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया तो देखिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को मेजॉरिटी दी गई। यानी अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें ऑफिशियल मेंबर कम होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज्यादा होंगे, यानी इंडियंस ज्यादा होंगे। लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह बोला गया कि भैया ऑफिशियल मेंबर्स ही ज्यादा होंगे, नॉन ऑफिशियल कम होंगे। तो जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें यह बोला गया कि भैया व्हाइट मेंबर भी होंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन मेंबर भी होंगे, बट इंडियन मेंबर की तादाद ऑफिशियल मेंबर से नहीं व्हाइट मेंबर से कम होगी, बट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स की तादाद व्हाइट मेंबर से ज्यादा होगी, यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तादाद ऑफिशियल मेंबर से ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि दिस वॉज अ प्रोग्रेसिव स्टेप, बट इस प्रोग्रेसिव स्टेप का कोई मतलब नहीं था दोस्तों, क्योंकि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आ रहे थे ना वो ब्रिटिश सरकार के हक में थे। ओके, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के काम करने के तरीके को भी थोड़ा इंप्रूव किया गया। ये कहा गया कि भाई इनके फंक्शंस को बढ़ाइए, डिलिबरेटिव फंक्शंस को बढ़ाइए। तो डिलिबरेटिव फंक्शंस कैसे बढ़ेंगे? अब जब बजट इंट्रोड्यूस होगा तो बजट पे रेजोल्यूशंस मूव कर सकते हैं ये लोग,
पहले रेजोल्यूशंस मूव करने की ताकत या वोटिंग करने की ताकत नहीं थी, अब रेजोल्यूशंस मूव करने की ताकत है। ओके, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस मांग सकते हैं, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के किसी मेंबर ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है या फिर बजट इंट्रोड्यूस किया है तो उस बजट पे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते थे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से पहले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जो इंडियन मेंबर्स थे, वो बजट पे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते थे, ज्यादातर चीजों पे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, पर वो सप्लीमेंट्री सवाल भी पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, वोट पे भी जो बजट है ना उस पे भी अपनी कह सकते हैं कि काउंटर थॉट को सामने रख सकते हैं। हालांकि जल्दी कोई रखता नहीं था क्योंकि सारे ब्रिटिश के सपोर्टर्स ही अपॉइंट किए जाते थे इनमें, समझ गए दोस्तों। अब हुआ ये कि पहली बार किसी इंडियन को वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के साथ जोड़ा गया, और जो फिर प्रोविंसेस में जो गवर्नर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वहां पे भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि 1909 में पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंटमेंट होगा, इससे पहले जो भी मेंबर्स अपॉइंट हो रहे थे वो कहां हो रहे थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो रहे थे। फर्स्ट टाइम इंडियंस विल बी एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स। तो भैया पहला इंडियन जिसने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा, ठीक है दोस्तों। और इनको लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया था, यानी कि ये लॉ मिनिस्टर समझ लीजिए हो गए, ये लॉ वाले पोर्टफोलियो को देखेंगे। चूंकि मैंने आपको पहले बताया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स थे ना वो मिनिस्टर हुआ करते थे, उसी तरीके से भैया प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को अपॉइंट किया गया। अब सबसे ट्रिकी पॉइंट पे आते हैं, सबसे ट्रिकी पॉइंट ये है कि भैया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आएगा किसके लिए, यहां पे शुरुआत हुई मुस्लिम से के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आया गया, कि यानी कि आपने कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया, यानी कि अगर कोई मुस्लिम मेंबर इलेक्ट हो रहा है या मुस्लिम मेंबर वोटिंग में खड़ा है तो उसके लिए केवल मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, हिंदू वोट नहीं कर सकते। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर एक मुस्लिम मेंबर खड़ा हो रहा है तो वहां पर तो हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, मुस्लिम्स भी रह रहे हैं, तो सबको वोट करना चाहिए उसके लिए, लेकिन नहीं, केवल मुस्लिम्स वोट करेंगे। क्लियर कट एग्जाम्पल है जहां पे ब्रिटेन ने इंडिया की यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की, ये करके ब्रिटेन ने ये बोला कि भाई मुस्लिम अलग कम्युनिटी है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है, हिंदू अलग कम्युनिटी है, इनकी अलग रिक्वायरमेंट्स है। अलग रिक्वायरमेंट्स तो ब्रिटेन ने ऐसे बोल दी जैसे खाना भी दोनों अलग ही खाते हो। यहां से उन्होंने मुस्लिम कम्युनलिज्म के या फिर कह लीजिए कि रिलीजनिज्म के भैया ऐसे बीज बोए कि वो बवाल ही मच गया आगे। वो आगे क्या बवाल मचाया वो तो साफ सबको मालूम ही है। यहां पे लॉर्ड मिंटो कहलाए गए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। सो लॉर्ड मिंटो वॉज डिक्लेयर्ड एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इन्होंने भैया देश को धर्म के नाम पे तोड़ने की नींव यही रख दी। अब प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि उस समय पे देखिए कोई देश तो था नहीं, जो इंडिया के लोग थे वो भी अपने आप को एक देश समझते नहीं थे। ब्रिटेन का क्या था कि ब्रिटेन को पूरे जगह पे राज करना था, ब्रिटेन को लगा कि ये स्ट्रांग हो रहे हैं तो इनको तोड़ने का कुछ मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1905 या 1906 के लगभग मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, और 1909 आते आते देखिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ये सारे इवेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, बैकग्राउंड में बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी इस कम्युनलिज्म की। आगे देखते हैं, फिर भाई ये बात आई कि रिप्रेजेंटेशन की डिमांड हर तरफ से बढ़ रही थी, सबको भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, सब लोग वहां आना चाहते थे, सब लोग भैया लॉ मेकर बनना चाहते थे। तो यहाँ पे मॉरले मिंटो ने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई हम तो सब कुछ बांट रहे हैं तो हम ये भी बांटेंगे। तो कहा गया कि भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जमींदार्स को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो बहुत हद तक ये रिप्रेजेंटेशन आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में दिया गया, बाद में सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन इनको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज थी। आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसमें क्या हुआ, 20 अगस्त 1917 का समय आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब यहां पे जो भैया हमारे ब्रिटेन के क्राउन थे, जो ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने बोला
कि हिस मेजेस्टी की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो ये इंडियंस हैं, ये इंडियंस अपने ही देश के, और उन्होंने अपने देश को नहीं बोला, कि जो उनका इलाका है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हर ब्रांच में हम इंडियंस को इंक्लूड करें, और धीरे धीरे करके कुछ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लेके आए, और जो गवर्नमेंट इंडिया की वो थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन एक चीज बोली गई कि दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मतलब इनको हम एडमिनिस्ट्रेशन में आने का मौका तो दे रहे हैं बट ये रहेंगे हमारे ब्रिटेन के ही हिस्से, हैं तो हम ही राजा, ये तो हम अच्छे हैं कि हम इनको थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये कहा गया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, उस समय पे इसको बोला गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, आप जानते होंगे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अब इसमें लॉर्ड मॉन्टेगू थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसराय ऑफ इंडिया। आई होप आपने किताब सामने खोल रखी है। मैं आपको देखो समझा रहा हूं दोस्तों, चूंकि हमारे संविधान की है लीगल भाषा, तो एक न्यू कमर के लिए या थोड़े दिन से भी जो पढ़ रहा है, अंटिल अनलेस आप प्रोफिशिएंट ना हो गए उस किताब में, आपको इन सारी चीजों को समझने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो मेरा बस यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको चीजों को ज्यादा समझा पाऊं, समझाना जरूरी काम है। मैं चाहता हूं कि जब तक ये पॉलिटी की किताब खत्म हो तब तक आपको ये सब चीजें आ जाएं। इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा आराम से और थोड़ा समझ के इन चीजों को रिकॉर्ड करता हूं, ताकि एक भी लाइन को जानने के लिए आपको कहीं और ना जाना पड़े, मेरी इस वीडियो से आपको वो लाइन समझ में आ जाए। ठीक है, इस 1919 ने क्या किया, इस 1919 ने सबसे पहले तो ये किया कि उन सब्जेक्ट्स को डिसाइड किया, सब्जेक्ट्स मतलब कि कौन कौन से नियमों पे, कौन कौन से मैटर्स पे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बना सकती है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बना सकती है। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को डीमार्केट किया गया, यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे डिसाइड कर दिए गए जिन पे केवल सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे डीमार्केट कर दिए गए जिन पे केवल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लॉ बनाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का सेक्टर अभी भी यूनिटरी था, सेंट्रलाइज था, कहीं से भी इन प्रोविंसेस को आजादी नहीं दी जा रही थी, बस इनके एडमिनिस्ट्रेशन में इनको एक बड़ा पार्ट दिया जा रहा था, एक बड़ा हिस्सा दिया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब जब यह बात हो गई कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को यह पता चल गया कि भाई मुझे इन इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने हैं, तो वो हो गए आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की जब बात आई तो एक चीज को यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया, और उस चीज को क्या बोला जाता है, उस चीज को बोला जाता है डायार्की। और डायार्की यहां पे बड़ी खतरनाक बन के सामने आई। डायार्की एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है डबल रूल। ये एक्सपेरिमेंट वैसे लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं, बट यहां पे इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया गया। हर चीज को मैंने दोस्तों अपने अलग से वीडियोस में बना रखा है, मेरी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने एक एक टॉपिक को तोड़ के छोटा छोटा करके बना रखा है, वहां पे आप जाके देखेंगे आपको सब मालूम पड़ेगा। क्योंकि किताब के पर्सपेक्टिव में ज्यादा लोग पढ़ते हैं तो मैं पूरी किताब भी यहां पे करा रहा हूं। तो डायरकी में दो सब्जेक्ट्स बनाए गए, एक सब्जेक्ट थे आपके ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक सब्जेक्ट थे आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स। क्या फर्क था आपका ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट्स में? रिजर्व सब्जेक्ट्स में यह था कि तानाशाही चलेगी, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में तानाशाही थोड़ी कम चलेगी। मैंने आपको इनफॉर्मल भाषा में समझाया कैसे। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में यह बोला गया कि भैया ये रिजर्व सब्जेक्ट्स पे नियम कानून और एडमिनिस्टर करने का हक पूरी तरीके से गवर्नर का है और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। और जब रिजर्व सब्जेक्ट्स पे कोई कानून गवर्नर बनाएगा या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी तो उसमें उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, यानी कि तानाशाही चलेगी रिजर्व सब्जेक्ट्स में। अब चूंकि ये गवर्नर तो ब्रिटेन का है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्यादातर लोग ब्रिटेन के हैं, एक दो इंडियन मेंबर्स हैं केवल। ओके, तो समझ गया मेरी बात को यहां पे, यानी कि इन रिजर्व सब्जेक्ट्स में ब्रिटिश सरकार की तानाशाही चलेगी, यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ नहीं कर सकती। चूंकि आपको मैंने बताया कि अब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी आ चुकी है, ज्यादातर लोग इंडियंस हैं। ओके, तो रिजर्व सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे रखे गए जिसमें यह बोला गया कि भाई गवर्नर लॉ बनाएगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ और वो इनके लिए जवाबदेह नहीं होंगे, किसको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रखे गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस जैसे सब्जेक्ट्स इस चीज में रखे गए थे। वहीं पे आप ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की बात करोगे तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में क्या हुआ दोस्तों कि भैया ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को भी गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एडमिनिस्टर करेगा। ओके, लेकिन वो इस चीज को करने में लेजिस्लेटिव काउंसिल को आंसरेबल होंगे। ओके,
यानी कि जब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से रिलेशन में कोई लॉ बनेगा तो गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ वो लॉ बनाएगा, और जब वो लॉ बनाएगा तो वो जवाबदेह होगा इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को। लेकिन अब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट कैसे थे? एजुकेशन। चलो ब्रिटेन कभी चाहता ही नहीं था कि इंडिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, अगर वो चाहता होता तो पढ़ते लिखते नहीं क्या? ऑब्वियसली बात है, इतने फालतू तरीके के सब्जेक्ट्स डाले गए ना इस ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में जिनका कोई मतलब ही नहीं था, और जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो डाल दिए गए रिजर्व सब्जेक्ट्स में, और रिजर्व सब्जेक्ट्स में बोला गया तानाशाही चलेगी। किसकी? गवर्नर की, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। हम जवाब दे नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ट्रांसफर्ड में हम जवाब दे हैं पर ट्रांसफर्ड में कुछ है ही नहीं, काम की चीजें नहीं है, तो क्या जवाबदेही करोगे तुम लोग? समझ गए दोस्तों? तो इस तरीके से चीजें हुई। तो ये था आपका डायरकी, डायरकी था डबल रूल, बिल्कुल भी सक्सेसफुल हुआ नहीं। क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई ताकत आई नहीं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के पास, तो सक्सेसफुल कैसे होगा? फिर भाई यहां पे दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा बाइकैमरलिज्म और आएगा आपका डायरेक्ट इलेक्शंस। अब बाइकैमरलिज्म क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पहली बार बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया और यह बोला गया कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंटर बेसिस पे, वहां पे एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा। ओके, आज की डेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर बहुत आम है भैया, आपको लोकसभा राज्यसभा दिखती है, ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स में, आपको हमारे देश के बहुत से स्टेट्स में आपको विधानसभा मिलेगी, विधान परिषद मिलेगी। तो उस समय पे वो चीज यहां से निकल के आती है। बाइकैमरलिज्म शुरू हुआ कहां से? बाइकैमरलिज्म शुरू हुआ आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। देखिए बहुत सारे सवाल आपके यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बाइकैमरलिज्म कौन से एक्ट से आया था, तो 1919 से आया था। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस किया गया एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर से, जिसमें दो थे, एक तो था अपर हाउस जिसको आप बोलते हो काउंसिल ऑफ स्टेट, और एक था आपका लोअर हाउस जिसको आप बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है दोनों। और ज्यादातर मेंबर्स इन दोनों हाउसेस के डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे, उनके लिए डायरेक्ट वोट पड़ेगा। लेकिन वोट डालने में भी एक कैच है दोस्तों, वोट डालने की जो फ्रेंचाइजी थी वो बहुत लिमिटेड थी, वुमेन को वोट डालना अलाउड नहीं था, केवल वो लोग वोट डालेंगे जिनके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स भरते हैं और वो कम से कम इतना पढ़े हुए हैं। तो या तो एजुकेशन के हिसाब से ये डिसाइडेड था एलिजिबिलिटी की वोट कौन डालेगा, या तो कितना टैक्स देते हैं इस हिसाब से एलिजिबिलिटी डिसाइडेड थी, या फिर उनके पास कितनी लैंड है, कितनी प्रॉपर्टी है, इस हिसाब से एलिजिबिलिटी थी। तो भले ही आपने बाइकैमरलिज्म करके अपर हाउस कर दिया और लोअर हाउस कर दिया और इनके मेंबर्स को आपने इलेक्शन से चुना, बट इलेक्शन में वोट डालने वाले ही लिमिटेड हैं, गरीब डाल नहीं सकते, ठीक है ना, पुअर डाल नहीं सकते, वुमेन डाल नहीं सकती, केवल जो अमीर क्लास के लोग थे उन्होंने आपने उनको परमिशन दे दी कि वो वोट डाल सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है इस बाइकैमरलिज्म का। बट फिलहाल के लिए आप कह सकते हो कि डायरेक्ट इलेक्शन को सीधे सीधे यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लेके गया गया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंपोनेंट कहां से आया था दोस्तों, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का कंपोनेंट आया था आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, जब यहां पे नॉमिनेशन की बात हुई थी, पर डायरेक्ट इलेक्शन 1919। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और उस वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे 6 लोग। ये बोला गया कि भाई इन 6 में से 3 लोग होंगे इंडियंस, ठीक है, लेकिन अगर कमांडर इन चीफ इस वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर है तो इंडियन कमांडर इन चीफ नहीं बन सकता। यानी इन 6 में से ये जो 3 लोग हैं इन जो कि इंडियंस होंगे, ये कमांडर इन चीफ नहीं बन सकते, ठीक है। फिर कम्युनल इलेक्टोरेट्स के सिद्धांत को यहां पे बढ़ाया गया। 1919 में ये केवल मुस्लिम्स तक लिमिटेड था, यहां पे इसको बढ़ा के 6 को भी भैया कम्युनल आपका सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, इंडियन क्रिश्चियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए, यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। आई होप आपने पॉलिटी की किताब खोल रखी और साथ साथ देखते जा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ और चीजें भी हुई, जैसे हाई कमिश्नर का कंसेप्ट होता है ना दोस्तों, एम्बेसडर का कंसेप्ट होता है, तो जैसे इंडिया के हाई कमिश्नर्स पूरी दुनिया भर में अपॉइंटेड है, तो इंग्लैंड में हाई कमिश्नर होगा, फिर भाई आपका यूके में वो आप कह सकते हो यूएसए में होगा, बाकी कंट्रीज में होगा, उसी तरीके से इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया लंदन में, और उस हाई कमिश्नर के ऑफिस में कुछ आप कह सकते हैं फंक्शन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के ट्रांसफर कर दिए गए। अब ये हाई कमिश्नर का ऑफिस क्यों बनाया गया? क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को तो
आपका लंदन में ही रहना था, ठीक है, लेकिन इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के कुछ काम करने के लिए हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया गया लंदन में, और वहां पे एक हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बिहाफ पे काम करता था। ओके दोस्तों, फिर आप आगे देखोगे दोस्तों कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश करने की यहां पे बात की गई। तो कहा गया दोस्तों कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करना चाहिए, और उस हिसाब से 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया गया। देखिए इसमें बताता हूं हुआ क्या। एक कमीशन बैठा था जिसका नाम है ली कमीशन। इस ली कमीशन ने जब अपनी रिकमेंडेशंस दी तो उसने बोला कि भैया सुपीरियर सिविल सर्विसेज की रिकमेंडेशंस थी 1923-24 की, उन रिकमेंडेशंस का एक पार्ट था कि भैया एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए इंडिया में, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन का काम होगा कि भैया ये जो सिविल सर्वेंट्स आते हैं इनका एग्जाम लेगा और उनको यहां पे अपॉइंट करेगा। तो ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में बनाया गया। तो ये जो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा कौन सी एक्ट की रिकमेंडेशंस के अंदर बनेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर बनेगा। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर कि देखिए सेंट्रल बजट तो 1860 से आ रहा है, ये मैंने आपको पहले बताया। पहली बार ये कहा गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स अपना बजट इनैक्ट कर सकते हैं, यानी कि अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को भी ये ताकत दी गई कि आप अपना बजट इनैक्ट करिए। ओके ठीक है। फिर ये बोला गया कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कैसा काम किया, अब इस चीज को एसेस कौन करेगा, तो इस चीज को एसेस किया जाएगा कुछ समय के बाद। तो इस 1919 से 10 साल बाद यानी कि लगभग 1929 में एक कमीशन बैठेगा, और वो कमीशन इस बात पे अमल करेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कैसा काम किया इतने सालों में। तो ये कमीशन बनाया जाएगा, और यही कमीशन हमारे सामने किस फॉर्म में आएगा, यही कमीशन हमारे सामने आएगा साइमन कमीशन के फॉर्म में। साइमन कमीशन में होगा क्या कि भैया नवंबर 1927 में, यानी आना था 1929 में, लेकिन उससे 2 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 मेंबर का स्टेटूटरी कमीशन बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन की चेयरमैनशिप के अंदर यह साइमन कमीशन बना, और इस साइमन कमीशन का काम क्या था कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसने काम कैसा किया, भैया वो एक तरीके से संविधान था तो उसने कैसा काम किया इस पे आप रिपोर्ट करिए। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब ये साइमन कमीशन बना तो इसको इंग्लैंड में बना दिया गया और सारे के सारे मेंबर वाइट थे, किसी इंडियन मेंबर को अपॉइंट ही नहीं किया। जब इंडियन मेंबर को अपॉइंट ही नहीं किया तो इंडिया ने भाई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसको बॉयकॉट कर देंगी, मुस्लिम लीग ने भी बॉयकॉट कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी बॉयकॉट कर दिया, ये तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो छुटपुट पार्टीज थी उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। तो बहुत दिन तक ये कमीशन इंडिया में आके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने साइमन कमीशन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और जब फाइनली साइमन कमीशन को समझ में आया कि भाई हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट खुद ही सबमिट कर दी। अब यहां पे ये रिपोर्ट्स मैं आपको बहुत ही कह सकते हैं कि कम में बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप साइमन कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, ये सब कुछ जो मैं बताता आ रहा हूं यहां पे वो सब मैंने वहां बता रखा है। और देखिए दोस्तों ये चूंकि लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स हैं पॉलिटी के बैकग्राउंड को बना रहा हूं, इसलिए यहां पे जो रेगुलेटिंग एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट इनके बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, काम की सारी है बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। बहुत डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है दोस्तों, तो इस कमीशन ने क्या बोला, कमीशन ने बोला कि भैया डायरकी प्रोविंसेस में खत्म करो, इसने रिकमेंड किया कि अबॉलिश द डायरकी। ये आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक अच्छा प्रोविजन था इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट का। फिर उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को आप इंट्रोड्यूस करिए। आप देखिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिद्धांत तो पहले से चल रहा था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाइए, इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए, इसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को और एक्सटेंड करने की बात कही गई। तो और एक्सटेंड में क्या बोलेगा कि थोड़ी बहुत पावर और दीजिए इंडियन मेंबर्स को, ये सब बात कही जाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके भी अंग्रेज कभी प्रॉपर पावर इंडियंस को उन्होंने दी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक फेडरेशन बनाइए ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स का। फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि अभी तक देखिए ब्रिटिश इंडिया जिन राज्यों में सीधा सीधा राज कर रहा था वो थी ब्रिटिश प्रोविंसेस और कुछ थे प्रिंसली स्टेट्स। देखिए जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ ना, उस रिवॉल्ट के बाद जितनी जगह पे भी प्रिंसली स्टेट्स बचे थे उनको कह दिया गया कि अब हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे,
अब आप अपना खुद राज करिए, ठीक है। और जितनी जगह इंग्लैंड के पास थी, जितनी जगह मतलब जितनी जगह डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर थी, तो वो होंगी आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा रजवाड़े थे वो इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट कुछ नहीं थे, रेगुलरली पैसा भेजते थे वो ब्रिटिश सरकार को, बस हाँ अपने इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में वो इंडिपेंडेंट थे, तो वो लोगों को मारे पीटे उनको सताए प्रताड़ित करें, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये चाहिए था हमारा पैसा आता रहे भाई, समझ गए दोस्तों, ये चीज थी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला साइमन कमीशन ने कि कम्युनल इलेक्टोरेट को और कंटिन्यू करो, कम्युनल इलेक्टोरेट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत सही चीजें हो रही हैं। ये तो कहेंगे भैया देश को तोड़ दिया तुमने, कमजोर कर दिया, तुम तो बोलोगे ये बकवास। और जब साइमन कमीशन ने अपनी जब ये रिकमेंडेशन दे दी, तो इस साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे अमल करने के लिए और अगले प्रपोजल को लाने के लिए कहा गया कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी कहां पे, इंग्लैंड में। तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग तो खुश हो गए, भैया इंग्लैंड घूमने को मिलेगा, ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टी आजादी के लिए सुना लड़ रही थी दोस्तों। फिर यहां पे क्या हुआ कि इंग्लैंड जाएंगे, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कमेंट में नीचे बताइए कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए थे, कौन से पैक्ट के बाद गए थे। गांधी इरविन पैक्ट आपको याद होगा, गांधी इरविन पैक्ट की कंडीशंस को गांधी जी ने माना, अंग्रेजों ने नहीं माना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको फांसी लग गई, ठीक है। और गांधी जी वापस आके उन्होंने अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उस समय पे चल रही थी। तो जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, तो उसके बेसिस पे एक व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रिपेयर किया गया, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। इस व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में सारी सबमिशंस को, सारे रिकमेंडेशंस को माना गया था। और इस व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भैया जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया, और टोटल ये सब बवाल करने के बाद एंड में जो हमारे सामने निकल के आएगा इन सब का निचोड़, वो था भैया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये हमारे सामने निकल के आएगा, इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। इसी समय पे एक और बहुत चीज हुई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में, एक और कोशिश ब्रिटिश सरकार की इंडियन सोसाइटी को तोड़ने की। ऑलरेडी इन्होंने इतने सारे 1919 में भैया इतने ज्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो दे ही रखे थे, पूरे सोसाइटी को उन्होंने ऑलरेडी तोड़ रखा था। अब इन्होंने एक और चीज बोली, इन्होंने बोला कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दे रखे हैं, सिख्स को दे रखे हैं, इंडियन क्रिश्चियंस को दे रखे हैं, एंग्लो इंडियंस को दे रखे हैं, यूरोपियंस को दे रखे हैं, सबको तो हमने दे रखे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को क्यों नहीं दिए, ये जो शेड्यूल कास्ट है इंडिया की इनको क्यों नहीं दिए। और ये हुआ कब, ये हुआ तब दोस्तों आप देखेंगे कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी आपकी लंदन में, तो उस समय पे बीआर अंबेडकर जी, ठीक है, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, और उन्होंने जाके वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी। और उस समय पे उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ पे अंग्रेज सरकार के सामने बोला था कि भाई हमारे लिए कुछ किया जाए, और अंग्रेज सरकार एक्चुअली में इनके लिए कुछ करना नहीं चाहती थी, सोसाइटी को तोड़ने का उनको बहुत अच्छा एक मौका मिल गया था कि भाई बंदरवाट पूरा फैला दो, ठीक है ना, सोसाइटी को तोड़ना था उनको। तो उन्होंने बोला कि ये जो भाई डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इनको हमने क्यों छोड़ दिया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन से, सेपरेट इलेक्टोरेट से, इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो। तो भैया डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दो। गांधी जी ने सीधे बोला भैया तुम तो हिंदू समाज को तोड़ दे रहे हो, वैसे तो तुमने धर्म के नाम पे पूरे इंडिया को तोड़ ही दिया है, अब तुम हिंदू समाज को भी तोड़ रहे हो। और चूंकि गांधी जी उस समय अरेस्ट में थे, येरावाड़ा जेल पुणे में बंद थे, तो जैसे ही ये बात पता चली गांधी जी को कि हिंदू सोसाइटी को भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, तो गांधी जी ने बोला कि मैं तो जा रहा हूं भाई अनशन पे, फास्ट अनटू डेथ मैं जा रहा हूं। जब गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे बैठ गए, चीजें बहुत बिगड़ने लगी, तो जो बाकी लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने जाके बी आर अम्बेडकर जी से बात की। बी आर अम्बेडकर जी ने भी बात को समझा, एक प्रॉपर पैक्ट निकाला गया, और वो पैक्ट जो निकल के आया पूना पैक्ट। देखिए अगर बी आर अम्बेडकर जी की बात की जाए ना, बी आर अम्बेडकर जी भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, लेकिन बी आर अम्बेडकर जी को एक चिंता थी कि मान लीजिए हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि डिप्रेस्ड क्लासेस के फेवर में काम किया जाएगा। आप समझ रहे हैं ना दोनों बात, बी आर अम्बेडकर जी को बहुत अच्छे से पता था कि अंग्रेज सगे नहीं है किसी के,
तो इसीलिए जब पूना पैक्ट की बात हुई तो बी आर अम्बेडकर जी को ये चीज तय हो गई कि हाँ भाई अब शेड्यूल कास्ट के और डिप्रेस क्लासेस के फेवर में काम होगा, तो उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और पूना पैक्ट साइन हुआ। और इससे ये चीज प्रूव हो गई कि भैया हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा, यानी कि हिंदुओं के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज को हम आने नहीं देंगे, समझ गए दोस्तों। और प्रॉपर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया डिप्रेस क्लास के लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज थी आपकी कम्युनल अवार्ड। आगे देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1935 आया ना दोस्तों, भैया ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, मतलब 10 शेड्यूल थे, बहुत इसमें आर्टिकल सेक्शंस भरे पड़े थे। आप कह सकते हैं कि अब तक मतलब इंडिया की आजादी से पहले सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो आया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये एक्चुअली में है क्या। मैं यहाँ पे जितना हो सकेगा उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो सबसे पहली बात की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो कहा गया कि भैया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन कैसा, कि भैया जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है वो भी इसका हिस्सा होंगी और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी इनका हिस्सा होंगे। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस तो होंगी ही होंगी, साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे। और ये बोला गया कि हम लोग अलग अलग लिस्ट तैयार करेंगे, एक फेडरल लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है, एक हम प्रोविंशियल लिस्ट तैयार करेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट तैयार करेंगे। तो जो प्रोविंशियल लिस्ट में सब्जेक्ट होंगे, तो प्रोविंशियल लिस्ट में कहा गया कि लगभग 54 आइटम्स होंगे, उसमें केवल प्रोविंस की लोग अपना डिसीजन लेंगे। फेडरल लिस्ट पे केवल सेंटर की सरकार लेगी, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों लोग लेंगे। यहां पे एक्चुअली में पहली बार ये बोला गया कि देश को मिलाते हैं, फेडरेशन बनेगा तो सारी ब्रिटिश प्रोविंसेस और सारे राज्य रजवाड़े साथ में आ जाएंगे और इंडिया एज अ यूनिट बनेगा, पहली बार ऐसा कहा गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो राज्य रजवाड़े थे ये आएंगे? मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप जिस जगह के में भी रहते हो उस इलाके का 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पे आपको राजा बना दिया गया और अब आप वहां पे हर चीज आपके हिसाब से चलेगी, पुलिस प्रशासन सब आपके हिसाब से चलेगा, तो क्या आप उस इलाके को छोड़ोगे? आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे राजा हूं और अगर ये राज मेरे पास से चला गया तो मैं कुछ भी नहीं हूं। कुछ इस तरीके का हाल इन राजे रजवाड़ों का भी था। इन्होंने ये बोला कि भैया हम तो अपने राज्य में राजा हैं, हम अपना राजपाट क्यों छोड़े इस इंडियन फेडरेशन के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन में वो ये आएंगे और उनको ये पता था कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो एक बार हम इस ऑल इंडिया फेडरेशन में आ गए तो जो हमारा राज्य है, हमारा वर्चस्व है हमारे इलाके में, वो चला जाएगा। इसीलिए ये जो भैया आपके प्रिंसली स्टेट थे ना, उन्होंने कभी इस ऑल इंडिया फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। उन्होंने बोला भैया हम अलग, ठीक है, हमें नहीं बनाना इंडिया इंडिया, हम अपना अलग, ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन बन ही नहीं पाई। इस ऑल इंडिया फेडरेशन में ये भी कहा गया था कि जो भी रेजिडोरी पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी, वो वाइसराय के पास होंगी। यानी ये पावर्स जो कि आपकी फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में और जो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं जोड़ी गई हैं, वो आपकी रहेंगी किसके पास, वाइसराय के पास। बट ऑल इंडिया फेडरेशन ही नहीं मना कभी। फिर आगे बात करते हैं, जो डायरकी का सिद्धांत आपका प्रोविंसेस में चल रहा था उसको यहां पर कर दिया गया बंद, बैन। उसके बाद ये बोला गया कि ये जो प्रोविंसेस है इनको हम पूरी तरीके से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, यानी कि अब ये अपने हिसाब से नियम कानून बनाए, अपने हिसाब से नियम कानून, यानी गवर्नर अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से नियम कानून बनाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, यानी अपने हिसाब से अब वो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स में करता था ना वो नहीं होगा। तो बहुत जबरदस्त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। इसीलिए याद कीजिए दोस्तों कि जब मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और 1861, तब मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा तब बहुत तगड़ी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, वो यही ऑटोनॉमी है क्योंकि डायरकी खत्म कर दी गई। तो अब रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स दोनों पे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाएंगे और किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल उनसे सवाल पूछ सकती है। तो डायरकी अबॉलिश कर दी गई प्रोविंसेस में, ये एक चीज अच्छी हुई यहाँ पे, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स आई प्रोविंसेस में। ये एक्ट इफेक्ट में कब आया, 1937 में। अब ये जो स्पेशली ये वाली जो चीज थी आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाली, ये 1937 में इफेक्ट में आएगी और 1939 तक चलेगी। आप देखोगे दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई है 28 मंथ्स ऑफ कांग्रेस रूल। 1937 में इलेक्शंस होंगे और भैया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, तगड़े वोट जीतेगी, बहुत सारे इलाकों में वोट जीतेगी और 28 महीने जब राज करेगी ना तो बहुत कुछ करेगी इन प्रोविंसेस में। लेकिन 1939 में जब वर्ल्ड वॉर टू शुरू होगा, तब बिना गवर्नमेंट, तब बिना इंग्लैंड इंडिया में किसी से डिस्कस किए हुए इंडिया को पार्टी बना देगा एलाइज की तरफ से, किसमें, वर्ल्ड वॉर टू में।
इसके अगेंस्ट में ये सारी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर देंगी। तो 1937 से लेके 1939 तक ये जो कांग्रेस मिनिस्ट्री काम करेंगी ना, 28 महीने में जबरदस्त काम किया इन्होंने, उसपे मैंने वीडियो बनाई, वो जाके देखिए। फिर कहा गया भैया कि जो डायरकी है, ये डायरकी आपने प्रोविंसेस में तो अबॉलिश कर दी, इसको सेंटर पे लेके आओ, और सेंटर पे जो सब्जेक्ट्स उनको दो भागों में तोड़ो, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। लेकिन सेंटर पे ये जो फेडरल सब्जेक्ट्स को रिजर्व और ट्रांसफर्ड में तोड़ने की बात चल रही थी, ये चीज कभी लागू नहीं हो पाई। ठीक है, अच्छा, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एक और चीजें हुई। देखिए 11 प्रोविंसेस थी टोटल उस समय पे, ये कहा गया कि 11 में से 6 प्रोविंसेस में आप बाइकैमरलिज्म लेके आइए। तो कहा गया कि भैया बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार, आसाम, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इन सबको बाइकैमरल करेंगे, सब में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लोअर हाउस। तो 6 प्रोविंशियल काउंसिल्स को कहा गया कि इनके लेजिस्लेचर्स को बाइकैमरल किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो वोटिंग होगी वो भी डायरेक्ट होगी। ओके, और ये जो अंग्रेजी सरकार वाले थे ना, ये इतने कमीने थे, ये माने नहीं। कम्युनल इलेक्टोरेट के प्लान को, ये जो सॉरी कम्युनल अवार्ड था ये रामसे मैकडोनल्ड्स का, जिसको गांधी जी ने फेल कर दिया अपने दम पे, ये माने नहीं। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स फिर से दे दिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को दे दिए, वुमेन को आप दे रहे हो, मतलब वुमेन कैंडिडेट के लिए केवल वुमेन वोट करेंगी, और लेबर्स को भी दे दिए। मतलब भैया तोड़ने पे उतारू थे ये ब्रिटेन वाले, कि कैसे ना कैसे करके हम सोसाइटी को तोड़ दें। जब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कम्युनल अवार्ड के बाद पूना पैक्ट हो चुका है, हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट बन चुका है, उसके बाद भी ये डिप्रेस्ड क्लास लेके आ रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आ रहे हैं। मतलब इनका सीधा सीधा साफ था कि ये किसी भी हाल में यूनाइट नहीं होने देंगे, तोड़ के रहेंगे देश को, ये चीज हो रही थी। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी, जो कि लंदन में बैठती थी। उस काउंसिल ऑफ इंडिया को यहां पे अबॉलिश कर दिया गया, तो दैट काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड। और कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम ऑफ एडवाइजर हम देंगे, और उस टीम ऑफ एडवाइजर की मदद से ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काम करेगा। यहां पे वोटिंग का राइट्स कुछ और लोगों को दिया गया, तो इस वोटिंग के राइट्स को कुछ मतलब थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को रिलैक्स किया गया, और इस रिक्वायरमेंट को रिलैक्स करने के बाद ये समझ में आया कि भाई 10% ऑफ द इंडियन जनता वोट दे सकती है। एक इंप्रूवमेंट था, पूरा इंप्रूवमेंट तो नहीं था पर थोड़ा इंप्रूवमेंट था, 10% ऑफ द इंडियन जनता को आपने एलिजिबल कर दिया वोट देने के लिए। फिर कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को क्रेडिट कंट्रोल करेगा, इकोनॉमी को मतलब बढ़ने में मदद करेगा। तो करेंसी एंड क्रेडिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट। बस आप इतना याद रखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर चालू हुआ था। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एक और चीज बोली कि भैया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए, और साथ साथ एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए, साथ साथ एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाइए, साथ साथ एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सिद्धांत किया जा सकता है। देखिए ये चीजें आज की डेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो हमारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है आप सबको पता है, यूपीएससी, जिसके लिए भैया सालों से लोग अपना पूरा युद्ध जवानी बर्बाद करके बैठे हैं, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ का छूट जाता है। फिर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की जाए तो यूपीपीसीएस, त्रिपुरा पीसीएस, अलग अलग जगह पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनी है। और अगर दो स्टेट्स जाएं तो मिलके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकती हैं। तो ये आपका जो प्रोविजन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया था, और इस प्रोविजन को पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया गया। फेडरल कोर्ट को इंडिया में लेके आया गया, फेडरल कोर्ट के सिद्धांत को। ये जो फेडरल कोर्ट था इसको, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1937 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने क्या बोला, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट होना चाहिए, जो कि 1937 में सेटअप किया गया। तो भाई इतनी चीजें थी, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को पूरा तोड़ के समझा दिया दोस्तों। अब भी ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जो भी डाउट्स होंगे मैं बताने की कोशिश करूंगा। फाइनल आते हैं भैया, अब हम लोग पहुंच रहे हैं क्लाइमैक्स पे। क्लाइमैक्स आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन में सरकार बदली, प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने, और 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने कहा भैया हम ब्रिटिश से निकल जाएंगे, ब्रिटिश रूल सॉरी हम इंडिया से निकल जाएंगे, इंडिया में ब्रिटिश रूल अब खत्म।
मैक्सिमम अगर हम इंडिया में रहेंगे तो 30 जून 1948 तक रहेंगे, क्योंकि हम तब तक यहां से निकल जाएंगे, क्योंकि भैया इतनी म्यूटनी, इतना बवाल इंडिया में होने लगा था, इंडियन नेशनल आर्मी ने तरखाट मचा रखा था, इतना ज्यादा कम्युनलिज्म हो रहा था, पूरा इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था ब्रिटेन की सरकार पे। क्लेमेंट एटली ने बोला अब ना हो पाएगा, अब निकलो, और कहा कि 30 जून 1948 तक पावर ट्रांसफर होनी चाहिए इंडियन हैंड्स में, हो चाहे ना हो हम निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लैंड के लिए जरूरी था कि वो इज्जत से पावर ट्रांसफर करके निकले एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, लेकिन इसमें भी बहुत पॉलिटिक्स हुई। जैसे क्लेमेंट एटली ने ये अनाउंसमेंट की, वैसे मुस्लिम लीग चिल्लाने लगी कि भैया पार्टीशन करो, पार्टीशन करो, हमको अलग देश चाहिए, मुस्लिम हिंदू अलग है, हमें अलग चाहिए। चलो भैया, 3 जून 1947 ने बोला, 3 जून 1947 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो कि 1946 में बनी थी, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो भी नियम कानून बनाएगी, अगर इंडिया का कोई भाग उन नियम कानून को नहीं मानना चाहता है तो वो ना माने। समझ गए आप दोस्तों को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भी नियम कानून बना रही है, जो उनको मानना चाहेंगे वही माने, जो मानना नहीं चाहते हैं वो ना माने। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैसे बोला ये थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फिर उसी दिन 3 जून 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, उन्होंने पार्टीशन प्लान सामने रखा, और इस पार्टीशन प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। उसका रीजन ये था कि भैया पूरे देश में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हर जगह कम्युनल राइट्स हो रहे थे। हमेशा लोग ये सवाल पूछते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन क्यों होने दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, हर जगह लोग खून के प्यासे थे, एक दूसरे के, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को काट रहे थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को समझ में ही नहीं आया, इतना खून बह रहा था, एक दो जगह हो रहे होते ना अगर ये राइट्स तो उनको रोकने की भी कोशिश की जाती, पूरे इंडिया भर में राइट्स हो रहे थे। तो भैया इन लोगों को समझ में आया कि भैया करिए दो पार्टीशन, कम से कम ये खून खराबा तो रुकेगा। और फाइनली फिर कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है पार्टीशन कर दो, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है पार्टीशन कर दो। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान में हुआ क्या कि भैया ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म होगा और इंडिया 15 अगस्त 1947 से एक सोवरेन और आजाद देश होगा, ये बोला गया। पार्टीशन होगा इंडिया का और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनेंगी। ये जो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस होगी, एक होगी इंडिया की और एक होगी आपकी पाकिस्तान की, ठीक है। और इन दोनों डोमिनियंस के पास ये राइट होगा कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल होता है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होता है, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। कॉमनवेल्थ बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है उन कंट्रीज का जो किसी ना किसी समय ब्रिटिश रूल के अंदर में रही है, लेकिन अब वो सारी कंट्रीज सोवरेन हो चुकी हैं, ज्यादातर कंट्रीज सोवरेन हो चुकी हैं, एक दो का एक्सेप्शन छोड़ के, ठीक है। तो वो सोवरेन कंट्रीज भी कॉमनवेल्थ का पार्ट रह सकती हैं, ठीक है, अगर वो चाहे तो, नहीं चाहे तो छोड़ सकती हैं। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने कहा कि भैया अगर इंडिया पाकिस्तान छोड़ना चाहे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को, तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को इंडिया पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, जो वाइसराय का ऑफिस था उसको कर दिया गया अबॉलिश, वाइसराय का ऑफिस हो गया कैंसिल के, तो भैया कोई वाइसराय नहीं, नो वाइसराय। एक गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, और इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा, इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेगा ब्रिटिश का राजा, किसके सुझाव पे, डोमिनियन कैबिनेट के सुझाव पे। डोमिनियन कैबिनेट मतलब कि भैया जब इंडिया पाकिस्तान के डोमिनियंस बन गए तो इन दोनों डोमिनियंस की अपनी अपनी कैबिनेट बनी, उस कैबिनेट में अलग अलग मिनिस्टर थे, तो इंडिया की जो डोमिनियन कैबिनेट होगी वो बोलेगी कि हमारे देश के लिए आप इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट करिए, और पाकिस्तान की जो डोमिनियन कैबिनेट होगी वो बोलेगी कि हमारे देश के लिए आप इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट करिए, और जिन डोमिनियन कैबिनेट्स ने जो नाम बताए उन्हीं नामों को एज गवर्नर जनरल ब्रिटिश किंग ने अपॉइंट कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बोला गया, भाई दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती नजर आ रही थी, एक पाकिस्तान की बनती नजर आ रही थी, एक इंग्लिश की, मतलब बनती क्या बनी गई थी। इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बोला गया कि भैया आप अपने अपने देश के लिए अपने अपने हिसाब से नियम कानून बना सकते हो, अपना संविधान बना सकते हो, ठीक है, और आप ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इनैक्ट किया हुआ, लागू किया हुआ कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी एक्ट आप तोड़ सकते हो, उसको नलीफाई कर सकते हो, इवन आप इंडिपेंडेंस एक्ट को भी नलीफाई कर सकते हो। इंडिपेंडेंस एक्ट को नलीफाई क्यों करेंगे, मतलब देखिए हुआ क्या,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी इंडिया की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी पाकिस्तान की, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कर रही थी, अपने अपने देश के लिए संविधान बना रही थी। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ब्रिटिश सरकार ने बोला कि भाई आप अपने हिसाब से कोई भी नियम कानून बना सकते हो, आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी जो एक्ट जो पुराना बना है उसको मना कर सकते हो, तोड़ सकते हो, इवन जो हम ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ला रहे हैं ना 1947 का आपको आजाद करने के लिए, आप इसको भी मना कर सकते हो। इसको क्यों मना कर सकते हो, यानी कि इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू हम आपका पार्टीशन कर रहे हैं, अगर आप चाहो अपनी म्यूचुअल सोच के साथ तो आप अपना पार्टीशन मत करो, आप मिल जाओ साथ में, लेकिन वो तो होना नहीं था, खून के प्यासे बने थे, काट रहे थे, खून अच्छा लग रहा था एक दूसरे का, तो आजादी तो होनी ही थी, इतनी नफरत थी, लड़कियों को काट दिया, रेप हुआ इतना, लोगों को काट दिया, बच्चों तक को काट दिया यार, बताओ छोटे छोटे, तो इस नफरत में एक होने का तो मतलब बैठता ही नहीं किसी भी तरीके से, तो अलग होना ही था। फिर ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई नियम कानून पास करेगा ना, तो वो नियम कानून ना डोमिनियन ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा और ना ही डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा, ये बोला गया। मैं आपको बस समझा रहा हूं दोस्तों, आप पढ़ सकते हो जाके लक्ष्मीकांत की किताब पे। ओके, ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कर दिया गया अबॉलिश। अब आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करेंगे दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो वैसे ही खत्म है। फिर ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश पैरामाउंसी है, जो ब्रिटिश का राज है इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स पे या ट्राइबल एरियाज के साथ जो भी ट्रीटी की थी ब्रिटिशर्स ने, वो सब खत्म, डोमिनियन ऑफ इंडिया को फ्रीडम दे दी गई है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को फ्रीडम दे दी गई है। एक और चीज बहुत गंदी बोली यहां पे ब्रिटेन ने, देखिए अगर आप सिक्स एडिशन पढ़ रहे हैं तो उसमें 8वां पॉइंट पढ़िए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का, ये 8वां पॉइंट कहता है कि इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी यहां पे ब्रिटिश सरकार क्या कह रही है प्रिंसली स्टेट से, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, आप चाहो तो इंडिया में मिल जाओ, आप चाहो तो किसी में ना मिलो। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को ये आजादी दी गई कि भैया पाकिस्तान में मिलो चाहे इंडिया में मिलो, हमें मतलब नहीं। तो भैया कश्मीर ने बोला हम तो आजाद रहेंगे, ना हमको पाकिस्तान में जाना ना इंडिया में जाना है, तो पता चला ये कश्मीर में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कश्मीर में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो कश्मीर के राजा दौड़ दौड़ाए जवाहरलाल नेहरू पास, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ। तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी फोर्सेस को भेजा और जहां पे दोनों फोर्सेस रुक गई वहीं पे भाई आपका सीज फायर हो गया, और वो एरिया जितना इंडिया के साइड था इंडिया साइड रह गया, जितना पाकिस्तान के साथ था पाकिस्तान के साइड रह गया। लेकिन आज की डेट में ऑफिशियल स्टैंस ये है कि भैया पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस ये है पूरा कश्मीर हमारा है। तो गिलगित बल्तिस्तान मीरपुर वाले इलाके जो पाकिस्तान के साइड है उनको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जबकि वो है हमारे। ठीक है दोस्तों, ये है सीन। तो आप कह सकते हो कि अंग्रेजों ने एक तरीके से चाल चल दी, क्या चाल चली कि कोई प्रिंसली स्टेट अगर आजाद रहना चाहे तो वो आजाद रह सकते, एक तरीके से बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश की। तो भाई बहुत सारे स्टेट्स ने आजाद रहने की कोशिश भी की, जैसे हैदराबाद था, हैदराबाद के भैया निजाम ने बोला हम तो इंडिया में नहीं मिलना चाहते, पाकिस्तान में वो मिल नहीं सकते थे बीच में फंसे थे, तो उन्होंने बोला हम सोवरेन रहेंगे, तो उन पे पुलिस एक्शन करना पड़ा। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें हुई दोस्तों उस समय पे। ठीक है, तो जो उस समय था ये आपका आजादी वाला आप कह लीजिए बड़ा ही ट्रिकी टाइम था, बहुत ही मुसीबतें थी उस टाइम पे। फिर आगे कुछ देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। ये कहा गया कि ये जो डोमिनियंस है डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, ये अपना खुद का संविधान बनाएंगी, और जब तक इनके खुद के संविधान नहीं बनते तब तक जो नियम कानून से लॉ चलेगा वो चलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस के हिसाब से। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस है उस हिसाब से अपने नियम कानून बनाइए, जब तक आप अपने खुद के नियम कानून नहीं बना लेते, जब आपके खुद के नियम कानून बन जाएंगे उसको हटा दीजिएगा। ओके, फिर पहले जो ब्रिटिश मोनार्च था उसके पास ये राइट्स थे कि यहां पे वाइसराय जो भी कर रहा है उसके काम को वीटो कर सकते थे। अब क्या था कि भैया इंडिया के जो दो डोमिनियंस बने हैं और इनके जो गवर्नर जनरल हैं, ये जो भी नियम कानून बनाएंगे उनके ऊपर ब्रिटिश मोनार्च का कोई भी हक नहीं रहेगा। प्लस जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और जो अलग अलग प्रोविंसेस के जो गवर्नर जनरल थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स हैं, ये काम करेंगे किसके एडवाइस पे, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा वहां पे उनके एडवाइस पे काम करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन थे, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को दिग्गज नेता थे वो बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे थे वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, तो वो जो चाहेंगे वही होगा। अभी
इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन मिनिस्टर था और बाद में कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर बना, ये भी हम लोग देखेंगे। एम्परर ऑफ इंडिया एक नाम था, किसके में, तो जो ऑफिशियल टाइटल्स हैं ब्रिटिश मोनार्च के उसमें एम्परर ऑफ इंडिया भी नाम था, वो ऑफिशियल टाइटल ड्रॉप कर दिया गया। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से चीजें हुई। जो सिविल सर्विसेज थी, तो बहुत सारे ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे, बहुत सारे इंडिया के सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे, तो जो इंडिया के सिविल सर्वेंट्स थे वो बाद में भी रहे, जो ब्रिटेन के सिविल सर्वेंट्स थे वो 15 अगस्त 1947 को अपना बोरिया बिस्तर उठा के बाहर भाग गए, यहां रुकते तो प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, लेकिन 15 अगस्त 1947 तक उनको सारे बेनिफिट्स दिए गए उनके सर्विस के, पर उसके समय के बाद वो वहां से चले गए, वो यहां रुके नहीं। तो जितने भी ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे चले गए, जो इंडिया के थे वो इंडिया में रहे। ठीक है दोस्तों, 14-15 अगस्त 1947 को दोनों देश आजाद हो गए, इंडिया पाकिस्तान बन गया। अगर आप देखोगे कि न्यू डोमिनियन ऑफ जो इंडिया बना उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने पहला प्राइम मिनिस्टर किसे बनाया, ऑब्वियसली बात हम सब जानते हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी 1946 में, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो किसके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो था, तो देखिए दो तीन पोर्टफोलियो हमेशा याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो उस समय पर काउंसिल हुआ करता था। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल क्या चीज है, देखिए दोस्तों 1946 में बनी थी ये आपकी इंटरिम गवर्नमेंट, तो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी थी, उस समय देश आजाद नहीं हुआ, तो उस समय पर वाइसराय था और वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और चूंकि उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड तो आपके वाइसराय होंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे आप समझ लीजिए। तो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। प्लस ये और कौन कौन सी चीज के मिनिस्टर थे, तो भैया एक्सटर्नल अफेयर्स के थे और कॉमनवेल्थ रिलेशंस के थे, तो उनका याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थे, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर के थे, बाकी आप देख लीजिए जितना याद रहे, लियाकत अली खान फाइनेंस के थे। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये कि जब पहला कैबिनेट बना फ्री इंडिया का, वैसे तो इसका पूरा टेबल लक्ष्मीकांत पे रखा था, आप जाके देख लीजिए, तो पहला कैबिनेट बनेगा उसमें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जवाहरलाल नेहरू, साथ साथ एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी जो हेड थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, साइंटिफिक रिसर्च के भी यही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के थे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी फूड एंड एग्रीकल्चर के थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद आपके एजुकेशन के थे, बी आर अम्बेडकर जी लॉ के थे, जगजीवन राम लेबर के थे, सरदार बलदेव सिंह डिफेंस के थे, राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ की थी, तो इस तरीके से बहुत सारे थे फ्रेंड्स, आप जाके देख लीजिए। श्याम प्रसाद मुखर्जी बहुत फेमस नाम है, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज के थे। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब हमारा देश आजाद होने की बात आई तो उस समय पे उन दोनों डोमिनियंस के बीच में बाउंड्री को डिफाइन करने के लिए एक बाउंड्री कमीशन बैठाया गया, उस कमीशन का नाम था रैडक्लिफ कमीशन। इस रैडक्लिफ कमीशन को डिसाइड करना था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री कौन, मतलब जो बाउंड्री होगी उसमें पाकिस्तान के पास कितना इलाका होगा, इंडिया के पास कितना इलाका होगा। जब उस रैडक्लिफ कमीशन बैठा था ना, उस समय पे दो पाकिस्तान बने थे फ्रेंड्स, एक ईस्ट पाकिस्तान बना था, एक वेस्ट पाकिस्तान बना था, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश था वो उस समय पे ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा मैंने आपको समझाया, आप समझ ही सकते हैं दोस्तों बहुत समय लगता है इस तरीके की वीडियोस को बनाने में, बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा समय भी जाता है। इसलिए मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा पेशेंट रहा करें इन वीडियोस के लिए, ठीक है। रोज एक इतनी बड़ी वीडियो डाल पाना मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दो दिन में एक बार, और जब पॉसिबल हो सके तो मैं एक दिन में एक वीडियो जरूर डालूंगा। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए ध्यान से, हैव अ ग्रेट डे।